ताज़ा ते नवीं खबरां लैके हाजिर है एशिया टीवी। आओ चात मारदे हां अज दीआं विशेष खबरां ते। अमृतसर विच डेरा बाबा नानक दे रहण वाले लखबीर ने रुजगार लई नवां तरीका लाभन वेखली मिसाल पेश कीती है। पैरां तों अपाहज लखबीर रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट पाल रहा है। इस नवेकली मिसाल तहत उसने अपने रिक्शे उपर सोलर सिस्टम फिट किया होया है। सूरजी किरणा वरत के वह सोलर सिस्टम राही अपना रिक्शा चला रहा है। लखबीर ने सूरजी ऊर्जा का भरपूर फायदा चुकदिया इस नूं अपने रिक्शे उपर ला के दर्शाया है कि सूरजी ऊर्जा रुजगार लई भी कम दे सकती है। इस तों पहला सोलर सिस्टम राही आम तौर पर लाइटा चलदियां देखिया होणगियां, पर सूरजी ऊर्जा नाल रिक्शा चलाउण दी यह पहली मिसाल सामने आई है। श्री करतारपुर साहब लांघे ते सियासत ज्यादा ते काम घट हो रहा है। भारत पाकिस्तान सरहद के दोवें पासे इस लांघे दे नींह पत्थर रखे नूं महीना हो गया है, पर भारत वाले पासे अजे कोई काम शुरू नहीं होया। उंज उद्घाटन वेले दावा कीता गया सी कि यह लांघा 6 महीने विच चालू हो जाएगा। करतारपुर रावी दर्शन अभिलाषी संस्था के जनरल सकत्तर गुरिंदर सिंह बाजवा ने दस्या कि महीना पहला भारत सरकार वालों डेरा बाबा नानक च करतारपुर लांघे दे नींह पत्थर रखने दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के 4.5 महीनों च काम पूरा होने का दावा किया, पर महीना लंघ जाने पर एक भी काम शुरू नहीं होया। मीडिया रिपोर्टा मुताबिक जबकि पाकिस्तान वाले पासे काम शुरू कर दिता गया है। बेअदबी ते गोलीकांड की जांच कर रही पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम शनिवार को साबका सिख्या मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा तो डेरा सिरसा मुखी नूं दित्ती मुआफ़ी बारे राज खुलवाएगी। विशेष जांच टीम ने इस बारे सवालों का पूरा खाता तैयार किया है। यह पूछगिछ पूरी तरह डेरा मुखी नूं दित्ती मुआफ़ी दे केंद्रित रहेगी। विशेष जांच टीम ने बादला दे नेड़ले अकाली नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा नूं समन भेज के 19 दिसंबर नूं फरीदकोट कैंप ऑफिस च पेश होने लई आख्या है। जांच टीम तरफों जस्टिस रणजीत सिंह कमिश्न की रिपोर्ट नूं भी आधार बनाया जा रहा है। कमिश्न की रिपोर्ट विच डेरा मुखी नूं मुआफ़ी देण विच डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा की भूमिका की गल की गई है। केंद्र सरकार ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स उत्ते बैन ला दिता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस नाल संबंधित हुक्म जारी किया सी। मंत्रालय ने कहा कि KLF ते ए बैन गैर कानूनी गतिविधि एक्ट के तहत लाया गया है। इस कानून के तहत पाबंदी शुदा KLF का नाम 40वें नंबर ते आउंदा है। इन्हां विच बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ते इंटरनेशनल सिख यूथ फैडरेशन भी शामिल हैं। पंजाब विच इस बार सरपंची दीआं चोणां संबंधी नौजवान पीढ़ी विच काफ़ी उत्साह देखण नूं मिल रहा है। जिला जलंधर के पिंड सत्तोवाली विच फौजी परिवार की 21 सालां की कुड़ी इंद्रप्रीत कौर पिंड की सरपंच बन के लोगों की सेवा करना चाहती है। इंद्रप्रीत कौर जलंधर विच LLB की पढ़ाई कर रही है। सत्तोवाली छोटा जिहा पिंड है जिस विच महज 60 घर और 253 वोटां ने। पिंड चर्चा विच इस करके है क्योंकि फौजियों के घर की 21 सालां की कुड़ी सरपंच बन के भ्रिष्टाचार खिलाफ आवाज़ बुलंद करना चाहती है। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों सूबे की कांग्रेस सरकार ते निशाना लाए जाने ते तिखा प्रतिक्रम दिता है। मोदी ने चारे सूबे विच कांग्रेस सरकार वालों किसानों नूं कर्ज माफी का लालच दिते जाने का दोष लाया सी, जिस ते रंधावा ने प्रतिक्रिया दिती है। रंधावा ने कहा कि मोदी झूठ बोल रहे हैं अते पंजाब सरकार ने 1830 करोड़ रुपए के कर्जे माफ़ किए हैं, ना कि कोई जुमलेबाजी की है। मंत्री ने इत्थों तक कह दिता कि जेकर यह गल झूठ निकली तो वह अस्तीफा भी दे देंगे। मोगा शहर विचों चोरी किए 4 साल बच्चे नूं पुलिस ने 72 घंटे मापिया के हवाले कर दिता। पुलिस ने इस मामले विच 2 औरतां समेत 5 व्यक्तियों गिरफ्तार भी किया है अते घटना नूं अंजाम देने वाली वर्ती कार नूं भी काबू कर लिया है। जिला पुलिस मुखी गुरनीत सिंह खुराना ने दस्या कि मोगा की दाणा मंडी नेड़े झुग्गिया विच रहिंदे रहीम मुहम्मद के पुत हुसैन मुहम्मद नूं बीती 24 दिसंबर 2018 नूं 4 जने कार विच बिठा के लै गए सन। इस मामले में बच्चे नूं अगवा करने वाले चार्लस रोज उर्फ नितिन सन्नी प्रीति और कुलविंदर कौर नूं कार समेत गिरफ्तार किया है, जबकि लखविंदर सिंह उर्फ लखा हाले गिरफ्त चों बाहर है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज फतेहगढ़ साहिब पहुँच के श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादियां बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते माता गुजरी जी की लसानी शहादत नूं श्रद्धा के फुल भेट किए। 3 रोजा शहीदी जोड़ मेल के दूजे दिन इत्थे पत्रकारां नाल गैर रस्मी गलबात करदिआं मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म भाईचारक सांझ का सुनेहा दिंदा है, किसी नूं भाईचारक सांझ का नुकसान नहीं करन दिता जाएगा।
ਇਹਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਲਾਗ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਇੰਨੀ ਫੈਲੀ ਕਿ ਆਖਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯਾਤਰੀ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਰੈਕ ਓਬਰਾਇਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।